नीरज चोपड़ा का डबल धमाका। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए चलते हैं सीधे खेल चक्कर। खबर है कि विराट कोहली के एक इंस्टा स्टोरी पर बीसीसीआई नाराज हो गई। ऐसे में उसने सभी खिलाड़ियों को चेतावनी दे दी। दरअसल कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 17.2 के स्कोर के साथ यो-यो टेस्ट क्लियर हो गया। कहा जा रहा है कि इसी के बाद बीसीसीआई ने साफ किया कि कोई भी खिलाड़ी यो-यो टेस्ट के स्कोर को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेगा। बीसीसीआई का मानना है कि खिलाड़ी रनिंग, ट्रेनिंग, इन सभी चीजों के वीडियो शेयर कर सकते हैं, लेकिन स्कोर को सबके सामने नहीं रख सकते। बोर्ड ने इसे करार के नियम का उल्लंघन बताया। यो-यो टेस्ट के जरिए खिलाड़ियों की फिटनेस को मापा जाता है। एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने अपनी पहली ही जेवलिन थ्रो से डबल धमाका किया। उन्होंने प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली, साथ ही पेरिस ओलंपिक का भी टिकट हासिल कर लिया। नीरज ने 88.77 मीटर की दूरी तक जेवलिन फेंका। नीरज के अलावा फाइनल के लिए दो और भारतीय खिलाड़ियों डीपी मनु और किशोर जैना ने भी क्वालिफाई कर लिया। ये पहला मौका है जब इस टूर्नामेंट के फाइनल में एक साथ तीन भारतीय खिलाड़ियों ने एंट्री की। खबर है कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें श्रीलंका के अविष्का फर्नांडो और विकेट कीपर कुसला परेरा शामिल हैं। ऐसे में उनका एशिया कप में खेलने का सस्पेंस बन गया। एशिया कप की शुरुआत अगले बुधवार से होगी। एशियन गेम्स में रिकॉर्ड 634 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेल मंत्रालय ने नामों को मंजूरी दे दी। ये खिलाड़ी वहां 38 गेम्स में हिस्सा लेंगे। इनमें महिला और पुरुष दोनों टीमों के 15-15 खिलाड़ी भी शामिल हैं। शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को चार और पदक मिले। गोल्ड महिला 50 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में, जबकि ब्रॉन्ज टीम इवेंट में शामिल हुए। इनमें 50 मीटर पिस्टल पुरुष और महिला इवेंट और पुरुष 50 मीटर पिस्टल टीम इवेंट शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की पत्नी हेजल ने बेटी को जन्म दिया। इसकी जानकारी खुद युवी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम औरा रखा है।